आज पांचवे दिन मैंने आज सॉन्ग सुने पंजाबी सॉन्ग। एपी ढिल्लो भाई आया था हमारा, इसने सुनाए, वरना तो 5 दिन से भूल ही गया था मैं गाने भी होते हैं कोई। तो अभी प्रज्ञान हमको लेके आया है लवर्स पॉइंट दिखाने के लिए, बहुत ही फेमस है, देखते हैं, बोल रहा है मरीन ड्राइव जैसी फीलिंग आने वाली है यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का प्लान हमारा बन गया है गंगा जी नहाने का, सब जनता जा रही है हमारे साथ में। प्रज्ञान स्पेशली आ गया है दिल्ली से मिलने के लिए गार्गी को, मौसी जी का लड़का जो इसका भाई है, तो वो आ गया दिल्ली से स्पेशली एक दिन के लिए कि मैं मिल के आता हूँ, बड़ा टाइम हो गया मिले को। तो अभी हम सारी जनता जा रही है गंगा जी नहाने के लिए। आई होप कि गाइज आप ये वाला ब्लॉग एंजॉय करने वाले हैं जैसे आपने बाकी हमारा यूके टूर एंजॉय किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हम फटाफट से गंगा जी स्नान करते हैं। आज का हमारा ड्राइवर चेंज हो चुका है, मौसा जी नहीं आए हैं आज हमारे साथ, प्रज्ञान आया है नया ड्राइवर हमारा। और हम आ गए हैं प्रेम नगर वाले जो आश्रम है वहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। वैसे हरि की पौड़ी होती है यहाँ पे, एक नया आश्रम बना है प्रेम नगर के नाम से, तो अभी वहाँ पे ही आए हैं यहाँ पे। और गरु एक्साइटेड है, मैं तो पता नहीं पिछली बार कब, याद ही नहीं मुझे कब नहाया होगा यहाँ पे। तो न्यू प्लेस है ये, मतलब हरि की पौड़ी तो फेमस है ही, और अभी प्रेम नगर जो है वहाँ पे भी नहाने का होता ही। जब प्रेमनगर आश्रम में पहुंचेंगे तो यहाँ पे पीछे ये बने हुए नहाने के लिए पौड़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे नीचे उतर के यहाँ पे नहा सकते हैं। बहुत ही सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे लोगों की, आराम से नहाते भी रहो और सेफ भी रहेगा। चलो हम भी चलते हैं और नहाते हैं फटाफट से, एंजॉय करते हैं गंगा जी। ये जगह ढूँढी है इन्होंने नहाने के लिए, पापा को आ गया फ़ोन अभी अर्जेंट, आएँगे फिर हम नहाएँगे सारे। वाह, चलो चलते हैं चलते हैं। गरु कितना पानी, बहुत है, जाओ जाओ जाओ। एक और बाकी है, तीन करेगी पूरी। हाँ तो गाइज मैंने और गरु ने तीन तीन डुबकियां लगा ली है, बहुत ठंडा लग रहा था पहली और दूसरी डुबकी में, फिर हो गया नॉर्मल। गरु बोल रही है अभी 5 और लगाएगी है ना गरु, 5 और लगा लेंगे अब तो हो गया नॉर्मल, फिर अब गर्म लगने लग जाता है ये। तो गाइज गंगा स्नान हो गया हमारा, अभी हम बैठ गए हैं सूखने के लिए, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। गरु नहा रही है अभी भी, अब तो बहुत अच्छे से हमारा गंगा स्नान भी हो गया, यही बचा था। अभी हम निकलते हैं घर के लिए, नाश्ता नहीं किया सुबह से, 10 बज गए और हम भी नहाने आए थे तो भूख भी लगी है अभी। मौसी जी ने जाना भी यूनिवर्सिटी के लिए, एग्ज़ाम चले ना उनकी ड्यूटी होती है, तो प्रज्ञान जाएगा उनको छोड़ने के लिए, उसके बाद हम कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो गाइज अभी बज गए हैं 4:30 और हम लोग ब्रंच करके सो गए थे। अभी मौसी जी का फ़ोन आया प्रज्ञान को कि मेरे को लेने के लिए आ जाओ, तो अभी हम उनकी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मौसी जी की यूनिवर्सिटी जहाँ वो डीन है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं सारे, उनको लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। आज हमने प्लान बनाया कि हम हरिद्वार के स्ट्रीट फूड्स, हरिद्वार के जो फेमस खाना है वो देखने जा रहे हैं हम, प्रज्ञान हमको लेके जाएगा। अभी तो हमें पता नहीं था कहाँ कहाँ जाना था, अब प्रज्ञान आ चुका है वो घुमाएगा हमें हरिद्वार अच्छे से। तो चलते हैं मौसी जी का पहले कॉलेज देख के आते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मौसी जी के यूनिवर्सिटी में उनको लेने के लिए। आज पांचवे दिन मैंने आज सॉन्ग सुने पंजाबी सॉन्ग, एपी ढिल्लो भाई आया था हमारा, इसने सुनाए, वरना तो 5 दिन से भूल ही गया था मैं गाने भी होते हैं कोई। तो अभी हम एपी ढिल्लो सुन रहे हैं और आ गए हैं, गरु निकल गए बाहर यूनिवर्सिटी देखने जा रही है। अभी प्रज्ञान गया है मौसी जी को लेने के लिए, उनके डिपार्टमेंट में सामान सुमन कुछ होगा तो वो लेके आनी है बुक्स वगैरह, और मैं और गरु वेट कर रहे हैं। मौसी बोलते ऊपर ही आ जाओ, मैं कोई बात नहीं, हम नीचे ही वेट कर लेते हैं जब तक कॉलेज कैंपस घूम लेते हैं हम लोग, है ना गरु।
गरु का प्लान बन रहा है कि अगर टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो यहीं से करेगी पीएचडी भी और यहीं बन जाएगी प्रोफेसर। ब्लड रिलेशन कभी गाइड नहीं बन सकता है, ये अभी पता लगा मुझे। तो अभी हम कैंपस घूमते हैं। वो बैठे हैं हमारे मौसी जी, डेन मौसी जी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मौसी जी की छुट्टी भी हो गई थी, वो तो हमको दिखाने के लिए वो कैबिन में ले गए थे ऐसे ही अपने। तो थोड़ा बहुत कॉलेज घूमा हमने और वापस आ गए घर। अब प्रज्ञान हमको लेके जा रहा है अच्छी जगह पे, जहाँ पे हरिद्वार में घूमना चाहिए। बोल रहा था बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है वहाँ का, वो खिलाने वाला है हमारे को आज। तो अभी सारे लोग रेडी हो रहे हैं, वापस से निकलेंगे हम हरिद्वार भ्रमण के लिए। आज हमें शाम को निकलना है घर के लिए, तो मम्मी पापा आए नहीं हमारे साथ में, वो पैकिंग कर रहे हैं। तो अभी प्रज्ञान हमको लेके आया है लवर्स पॉइंट दिखाने के लिए, बहुत ही फेमस है, देखते हैं। बोल रहा है मरीन ड्राइव जैसी फीलिंग आने वाली है यहाँ पे। तो जो हमारा लोकल गाइड है आज का प्रज्ञान, वो ले आया हमारे को बहुत ही खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे सनसेट पीछे होने लगा है और यहाँ पे पीछे समुद्र या गंगा नदी। तो मरीन ड्राइव वाली फीलिंग ले सकते हैं, जो कि पीजी बोल रहा है हमारे को प्रज्ञान का शॉर्ट करने में पीजी। गरु बोलती है पीजी भाई। हरिद्वार की मरीन ड्राइव का हमारा विजिट कम्प्लीट हो चुका है, फ़ोटोशूट रील्स की बहुत ही भरमार हमारे पास आने वाली है आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर देना राहुल त्रिवेदी ऑफिशियल्स एंड गार्गी त्रिवेदी ऑफिशियल्स, साथ में पीजी भाई हैं, मिल जाएंगे आपको, सर्च मार लेना। तो अभी हम जा रहे हैं अपने जो हमारा मेन टारगेट है, गरु को लगी है भूख तो प्रज्ञान हमको लेके आने वाला है। हरी की पौड़ी पे बहुत फेमस एक स्ट्रीट फूड की शॉप है, तो वहीं जा रहे हैं अभी हम सारे। अभी आ गए हम बहुत ही फेमस जैन चाट भंडार पे। बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों ने पहले देखे होंगे, अभी हम आज इसको इंक्लूड कर रहे हैं। मुझे आज ही पता लगा इस पर ब्लॉग भी बने हुए हैं। कांजी वड़ा बहुत फेमस है यहाँ पे, गरु ने बहुत वीडियो देखी है इसकी। तो अभी हम आगे वहाँ पे प्रज्ञान ने हमको दिखाई दिया आखिर स्ट्रीट फूड कहाँ पे होता है। तो अभी खाते हैं कांजी वड़ा। हमारा ऑर्डर आ गया है, चाट पापड़ी ली है और ये नॉर्मल चाट पापड़ी। अभी कांजी बड़ा ऑर्डर किया है, वो आने वाला है, बना रहे हैं अभी, खाओ जब तक यही। हमारा चाट पापड़ी वाला हो गया, हम लोग कर रहे हैं कांजी बड़ा। यहाँ का मोस्ट फेमस जो है वो कांजी बड़ा ही है। दो टाइप के कांजी बड़े होते हैं, एक नॉर्मल राई वाला होता है और दूसरा गाजर वाला होता है। तो दोनों ऑर्डर कर रहे हैं हम अभी, शाबाश। गरु ये तो बता दो कि कांजी बड़ा का मतलब है क्या, क्या क्या है इसमें? कांजी जो होती है वो राई की बनती है, राई का जो पानी होता है उसको कांजी बोलते हैं। अच्छा, और बड़ा? और बड़ा जो नॉर्मल दाल बड़ा खाते हैं वो। कांजी बड़ा तो मैंने कभी खाया नहीं, आज पहली बार खा रहे हैं। गरु की कृपा हो रही है आज, गरु खिला दो। टूटिंग राई से इसकी सारी स्टोरी इसको पता है। तो टेस्टी यम्मी,
फर्स्ट एक्सपीरियंस। कांजी बड़ा मोस्ट फेमस हरिद्वार का हमने खा लिया है, 40 रुपीज का था एक प्लेट, तो हमने दोनों ले ली, रेड वाली भी और मसाला वाली भी। अभी वहाँ से निकले और आगे हम बहुत ही फेमस स्वीट शॉप पे और बहुत ही फेमस हरिद्वार की चंद्रकला मिठाई है, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको चंद्रकला मिठाई कौन सी होती है। तो गाइस कर लो चंद्रकला के दर्शन, ऐसे कुछ होती है, बालूशाही जैसी लग रही है ना, वैसी है खाने का, पता नहीं घर जाके देखेंगे कैसी है खाने में। अगली शॉप पे लेके आ गया प्रोग्राम को, यहाँ पे रबड़ी खिलाने के लिए, बहुत ही फेमस रबड़ी, तो अभी आपको दिखाते हैं रबड़ी ले रही है गरु अपने लिए। तो गाइज अभी 8:30 हो गया है, हमने डिनर भी कर लिया है, हमारी ट्रेन है 9:15 हरिद्वार से, तो अभी सारे लोग रेडी हो गए, सामान सामान चेक कर रहे हैं, गरु भी हमारी रेडी हो रही है और हम निकलते हैं हरिद्वार स्टेशन के लिए। मैं वहाँ से लगभग 2:30 पहुँचूँगा मैं चंडीगढ़, तो बाकी ये लोग जाएंगे अपने जलंधर तक। तो गाइज अभी बज गए हैं 3:40 और मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ, ये जा रही है मेरी ट्रेन, गरु वगैरह जा रहे हैं, वो फगवाड़ा उतरेंगे या जलंधर उतरेंगे, तो अभी यहाँ से लेते हैं बस और पहुँचते हैं घर। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी UK ट्रिप, तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे ये 4-5 दिन हमारे साथ में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आप दोबारा से किसी अगले ब्लॉग में।